शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीन सेंटर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण मरीज को भारी दिक्कत का सामना तो करना पड़ा ही। तकरीबन घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। वैक्सीन सेंटर काफी समय से बंद था, उसके अंदर रखी सामग्री और वैक्सीन जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड बुला करके आग बुझाई गई। मौके पर थाना प्रभारी एसडीओपी मौजूद रहे। अस्पताल के कर्मचारियों के सूझबूझ से नहीं कोई जनहानि हुई। शासकीय अस्पताल में चारों तरफ धुआं फैल जाने से मरीजों को परेशानी उतारनी पड़ी। तो क्या क्या नुकसान हुआ है मरीज अभी अस्पताल कैंपस अस्पताल परिसर में चारों तरफ धुआं के गुब्बार छाए हुए हैं, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या कंडीशन बनी है? नहीं, आग तो हमने उसको बुला लिया है, फायर ब्रिगेड आ गई है, आग बुझाने का काम चल ही रहा है। साथ में हम लोग इतना अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो जो नुकसान हुआ उसका तो हम खुद जानकारी बाद में आते हैं। किसी की कोई घायल नहीं हुआ, रूम एक्चुअली बंद था।